सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों का 19, 20 और 21 नवंबर, ये 3 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपके इन 3 दिनों के दैनिक राशिफल पे कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आने वाले 3 दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी आजीविका की। इन 3 दिनों में आपकी जो आजीविका है कैसी रहेगी, बिजनेस के मामले में थोड़ा सा जोखिम उठाएँ तो बड़ा लाभ होने की पूरी आशाएँ दिख रही हैं। किसी अपने के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करना पड़ सकता है आपको इन 3 दिनों में। रोज़मर्रा के कामों में पूरे कुछ कामों को हाथ आजमाइए। जो कुछ ऐसे काम है जिसको आपने छोड़ रखा है उसमें आपको हाथ आजमाने की आवश्यकता है, जिसमें अवश्य आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को गोपनीयता बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुछ गोपनीय जो जानकारियाँ हैं उसको गोपनीय ही रहने दें, उजागर ना करें। बात पारिवारिक जीवन की करते हैं। इन 3 दिनों में जीवन साथी और सतर्कता का है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सतर्कता बनाए रखिए। नया मौका आपके आसपास है, उसे पहचानिए और उससे हाथ मिलाइए। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने से मानसिक शांति मिलेगी इन 3 दिनों में आपको। प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सावधानी बरतिए। बात आर्थिक स्थिति की करते हैं। आर्थिक जीवन इन 3 दिनों में आपका कैसा बना रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये 3 दिन सामान्य रहने वाला है। संचित धन को सुरक्षित करने के प्रयास से बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। थोड़ा धन संचित करने में आपके मन में थोड़ी व्याकुलता रह सकती है इन 3 दिनों में। बहुत प्रयास के बाद थोड़ा आपको सुकून मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। बात स्वास्थ्य की करते हैं। जनांगों संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, श्वास या सांस लेने में जो समस्या है वो थोड़ा परेशान कर सकता है। जो नियम बनाए बताए गए हैं डॉक्टर ने, जो नियम बताए हैं आपको, उसका पालन करिए, अवश्य आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। सुझाव है आपके लिए इन 3 दिनों में ओंग ह्रांग रिंग हुरुंग ह्रैंग ह्रौ का जाप करें तथा सूर्यदेव को जल में जो है लोटा में जल ले लीजिए या किसी भी पात्र में, उसमें गुड़हल का फूल डालकर अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये था आपके 3 दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। आपका ये 3 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।